और देश भर में महंगाई ने आसमान छू लिया है, लेकिन महंगाई के साथ साथ कुछ लोग सामानों पर मनमानी ढंग से अधिक पैसा वसूल रहे हैं। ऐसे में अल्मोड़ा जिला अधिकारी ने सभी कार्यों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि चाहे वह किसी भी तरह का व्यक्ति हो, कोई भी ओवर रेट या फिर डिग्रेड नहीं लिखेगा। लेकिन देहरादून के अंदर हालात ये हैं कि अभी भी मनमाने पैसे जनता से वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर कि पार्षद विशाल कुमार ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि अल्मोड़ा की तर्ज पर राजधानी देहरादून के अंदर भी एक लिस्ट जारी की जाए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। और विद सेटिंग में तो ना, जो गरीब आदमी भी अपना एक छोटा सा मकान सेटिंग सहित बना सकता है। अन्य जितने पैंट का है, सूट का है, और हमारे जितनी भी छोटी छोटी मतलब हर चीज़ को लीजिए आप, ड्राई का है, शेविंग का है, इसका एक दर तय हो जाए तो वो जनमानस को बहुत उसका लाभ होगा। अब ये बड़े बड़े शोरूम में कोई 700 रुपये ले रहा है, कोई 600 ले रहा है, गरीब आदमी कहाँ से करेगा। मैं भी कटिंग कराया जाता हूँ, मुझसे 70 रुपये लेते हैं, 60 रुपये लेते हैं, तो इतना पैसा तो अपने पास है नहीं। पर उसकी अगर दर तय हो जाएगी तो ये जनमानस के हित में एक बहुत अच्छा निर्णय होगा, जो एक सफल निर्णय होगा। माननीय जिलाधिकारी से मैंने इसमें निवेदन किया है।